हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में कि इसका नोटिफिकेशन किस मंथ में जारी किया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम किस मंथ में होगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, फीस कितनी लगती है, सरकारी कॉलेज कितने नंबर पे मिलता है, प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पे मिलता है, और 2025 में क्या करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या बीटीसी जिसे डीएलएड के नाम से आप लोग जानते हो। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। 2025 में अगर आपको डीएलएड करना है, बीएड करना है, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में कि इसका जो नोटिफिकेशन है किस मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। इसका जो नोटिफिकेशन आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, फरवरी 2025 के फर्स्ट वीक में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड 10 से 12 फरवरी के बीच में इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट भी हो जाते हैं। कम से कम 25 से 30 दिन का समय आपको दिया जाता है। ओके, एग्जाम इसका जो है किस मंथ में होगा एंड एग्जाम इसका ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है? देखिए, इसका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है। ओके, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होता है। एंड जब फॉर्म की जब डेट आती है, फरवरी से फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाते हैं 10 से 12 फरवरी से, तो इसमें नोटिफिकेशन में जो डेट दी जाती है लास्ट मई दी जाती है डेट कि मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आवेदन कम आते हैं या डेट बढ़ा दी जाती है तो जो आपके एग्जाम है फिर वो जुलाई में हो जाता है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा हमारे चैनल पे तैयारी कब से जो है करवाई जाएगी, तो आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो मई जून मानकर आप अपनी जो है तैयारी कर सकते हो, मई में आपका जो है एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉर्म की तिथि नहीं बढ़ाई गई तो। ओके, नहीं तो फिर आपका जुलाई में एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है? देखिए, इसमें चार सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, दो मीटिंग आपके एग्जाम होते हैं। पहली मीटिंग में जो क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक का चयन कर सकते हो, इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे। एंड यहाँ पे सेकेंड मीटिंग में जो क्वेश्चन पूछे आएंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे आएंगे। एंड सब्जेक्ट एबिलिटी, सब्जेक्ट एबिलिटी मीन्स जैसे ग्रेजुएशन में आप बीए की हो तो आर्ट स्ट्रीम के 50 क्वेश्चन पूछे आएंगे। आप ग्रेजुएशन में बीएससी की हो यानी कि साइंस स्ट्रीम से हो तो मैथ साइंस के क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ये होते हैं सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चन, यानी कि टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका दो नंबर का होता है तो 400 नंबर का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होती है। ओके, 200 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 400 नंबर के 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस, सिलेबस जीके का बता दूंगा मैं, रीजनिंग का बता दूंगा, हिंदी इंग्लिश का बता दूंगा, सब्जेक्ट एबिलिटी का बता दूंगा कि कहां कहां से किस किस से टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी मैं स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के सिलेबस की वीडियो। ओके, यहाँ पे आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आयु सीमा आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो तो 18 प्लस तो हो ही गई होगी। ठीक है, तो 16 प्लस अगर आप हो तो यहाँ पे आप बीएड में आवेदन कर पाओगे। जैसे अगर आपका बीएड, सॉरी, यहाँ पे बीए बीएससी जो भी आप ग्रेजुएशन में कर रहे हो, अगर आपका अपेयरिंग है, लास्ट ईयर है 2025 में, तो भी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर आपका कंप्लीट है तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हो, अपेयरिंग वाले भी इसका फॉर्म भर लेते हैं। ओके, एज लिमिट मैंने बता दिया, 45 प्लस तक आप फॉर्म भर सकते हो। योग्यता क्या होनी चाहिए मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन इसमें आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर लास्ट ईयर भी है तो भी आप एलिजिबल हो, इसके लिए फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। फीस कितनी लगती है? देखिए, फॉर्म फीस तो कम ही लगती है, 500 रुपए लगती है, और अदर कैटेगरी की ज्यादा लगती है, 750 रुपए लगती है, ऐसे फॉर्म फीस लगती है। ठीक है, हर बार घटती बढ़ती रहती है फॉर्म फीस, तो ये मैंने फिक्स नहीं बताया आपको फीस के बारे में। तो फीस जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि घटती बढ़ती रहती है फीस। ठीक है, 1000 भी होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं आपको प्राइवेट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फॉर्म तो आप लोग भरेगे ही भरोगे, जरूर से जरूर भरोगे अगर आपको बीएड करना है तो। यहाँ पे देखिए, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो 51,250 यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस होती है, सेकेंड ईयर की फीस होती है 30,000 रुपए अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हो तो। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है, उत्तर प्रदेश में टोटल 10,000 सीटें हैं गवर्नमेंट की, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो वहां पे केवल आपको काउंसलिंग की फीस देनी होती है। काउंसलिंग की फीस 5,500 होती है, 5,750 रुपए इतनी फीस होती है बस। इसके अलावा कोई भी फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, सेकेंड ईयर में भी इतना ही चार्ज आपका लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सरकारी कॉलेज जो है कितने नंबर पे मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पे मिलेगा? देखिए, आप एग्जाम देके आओ, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना भी नंबर हो, आप एग्जाम देके आओ, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे बाकी अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, तो 400 में से अगर आप 235 लाते हो तो आपको जो है
गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओके, 2025 में यहाँ पे क्या करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए? देखिए मैं दोनों के फायदे आपको बता रहा हूं। आप बीएड करोगे तो यहाँ पे आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल रहोगे, टीजीटी के लिए 9 से 10 के लिए एलिजिबल रहोगे, और कुछ स्टेट में या कुछ वैकेंसी में 11, 12 की जो वैकेंसी आती है, यानी कि पीजीटी की जो वैकेंसी आती है, अगर आपका पीजीटी है तो उसमें भी बीएड मांगा जाता है। और साथ ही जो है खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है, बीईओ की वैकेंसी आती है, और भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। अगर आप बीएड किए हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे अगर आप बीटीसी करते हो, जिसे डीएलएड के नाम से आप लोग जानते हो, इसका पूर्व नाम बीटीसी है, तो यहाँ पे अगर आप करते हो तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल रहोगे और 6 to 8 के लिए एलिजिबल रहोगे, बस ये दोनों के लिए एलिजिबल रहोगे। अब आप जो है यहाँ पे डिसाइड करिए कि आप जो है करना क्या चाह रहे हो, किस क्लास के आप शिक्षक व शिक्षिकाएं बनना चाहते हो, ये आप डिसाइड करो। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये आप 2025 में क्या करना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो या डीएलएड करना चाहते हो। बाकी क्लासेस में बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए अभी से आपको क्लासेस चाहिए या थोड़ा समय ले लूं मैं, यानी कि 15 दिसंबर से स्टार्ट करूंगा आपकी क्लास, क्योंकि सीटेट के अभी मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, सीटेट का 15 दिसंबर का जो है एग्जाम है, उसके बाद ही मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी 16 दिसंबर से। अगर आप लोग उससे पहले भी कहते हो तो मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। बाकी आप लोग कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो पे।